सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गत कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि सुदास नाम के जो एक धर्म कर्म विशारद व्यक्ति थे, सुदास या सोमदत्त एक ही हैं, तो उन्होंने एक बार अपने गुरु की अवज्ञा कर दी। वो शिव की आराधना में लगे हुए थे, गुरु आए और उन्होंने उनको अभिवादन नहीं किया, तो इससे भगवान शिव ने ही नाराज होकर के उनको राक्षसत्व की प्राप्ति करवा दी। वो राक्षस बन गई, तो उसको प्राप्त करके फिर वो अपने गुरु के ही पास पहुंची कि ये तो मेरे से तो भूल हो गई, मैंने आपकी अवज्ञा कर दी और ये तो मेरा तो मैं राक्षसत्व को प्राप्त हो गया अच्छे भले मनुष्य से। तो गुरु जी ने कहा कि ये तो हो गया, अब जो एक बार हो गया उसको तो नहीं टाला जा सकता है, कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं लेकिन उसका जो फल आता है उसमें स्वतंत्र नहीं है, उसमें परतंत्र है। तो उन्होंने कहा कि हो तो गया लेकिन इसका कोई उपाय, इसको सुधारने का, ठीक करने का, इस राक्षसत्व को छोड़ने का क्या उपाय हो सकता है, वो भी आप ही बता सकते हैं। तो गुरु जी ने बताया कि जब आप कभी चैत्र मास में रामायण का पाठ सुनेंगे 9 दिन में शुक्ल पक्ष में, तो आप इसको इससे मुक्त हो जाएंगे, राक्षसत्व से मुक्त हो जाएंगे आप। तो ऐसे कह के गुरु जी तो चले गए अपने आश्रम में और ये बहुत परेशान हो गया। और ऐसा जब व्यक्ति की स्थिति होती है, जब वो असुरत्व को प्राप्त हो जाता है तो सब लोग भी फिर उससे दूर हट जाते हैं, देवत्व को प्राप्त करता है तो सब उसके पास आते हैं, असुरत्व को प्राप्त करता है तो अपने लोग भी पहचान बंद कर देते हैं। तो किसी ने उसको पानी रोटी कुछ दिया नहीं, तो भूख प्यास से वो परेशान हो गया, क्षुत पीड़ित है, पिपासार, तो 43 नंबर में बताया ना। और कैसा हो गया, जब व्यक्ति को कुछ खाने पीने को भी ना मिले, कोई प्रीति भी ना करे, तो फिर क्या आता है, फिर गुस्सा आता है, तो फिर वो क्रोध ही बन गया। क्रोध तभी तो आता है जब हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है, प्रतिकूलता आती है, जो हमें पसंद है वो नहीं होता है तो फिर हमें बुरा लगता है, तो फिर उसको क्रोध आने लगा, इधर से क्रोध आने लगा, इधर से भूख प्यास सताने लगी, तो फिर वो क्या करने लग गया, पशु पक्षियों को खाने लग गया मार मार करके, और ज्यादा बढ़ गया राक्षसत्व। तो किसी के राक्षसत्व को यदि कम करना, असुरत्व को यदि कम करना है तो क्या उपाय है, उसके प्रति सद्भावना रखना, तो उससे उसको थोड़ी प्रीति मिले तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन यदि उससे घृणा करे तो उसका और ज्यादा बढ़ जाएगा फिर असुरत्व, फिर वो ठीक नहीं होगा। तो इसने पशु पक्षियों को मारना शुरू कर दिया, मृगांश्च विभिन्न तत्र मनुष्यांश्च सरीसृपान विहगान प्लवगांश्च प्रसभात तान अभक्षत। तो वो उनको खाने लग गया, पकड़ पकड़ करके खा जाता था। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है, जितने भी मांसाहारी हैं वो सब इसी तरह भूखे प्यासे मरते मरते उन्होंने मांसाहार शुरू किया, ये नहीं है इसका अभिप्राय। वो तो बुद्धि से भूखे मरते मरते गलत रास्ते पे चले हैं, उनके पास ज्ञान का टोटा आ गया,
अन्न का टोटा नहीं था। इस व्यक्ति के पास, इसके पास एक मजबूरी हो गई, क्योंकि अन्न या जल और कोई देता ही नहीं है, तो फिर क्या करे, तो फिर जो मिले वो खाने लग गए। तो ये फल फूल भी खा सकता था, ये एक अलग बात है। ऐसे भी तो उदाहरण है ना, पार्वती माता ने तपस्या की तो उन्होंने तो फल फूल खाए जंगल में जाके भी। भगवान राम भी जंगल में गए तो फल फूल ही खाते थे। तो ये जंगल में जाके वो भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये असुरत्व को प्राप्त हो गया, जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसको जब गुस्सा आता है तो फिर वो उल्टे ही काम करता है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक बड़े से जंगल को शून्य कर दिया और वहां पर अस्थियों का एक ढेर लगा दिया और कंकाल ही कंकाल वहां पर, और बहुत सारे प्रेत वहां उपस्थित हो गए, काले पीले रंग वाले। और जब वो जंगल बिल्कुल खाली हो गया तो फिर अगले जंगल को सोयोजन का जंगल साफ कर दिया। इतने बड़े भूभाग को पूरा साफ करके और फिर अगले जंगल में चला गया। तो इस प्रकार से छह महीने में ही इतना बड़ा नरसंहार या जीव संहार करके आगे ये बढ़ गया। तत्रपि कृतवान नित्यम नर मांस अशनम तदा जगामे नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकर। तब ये सर्वलोक भयंकर, सब लोकों के लिए जो भयंकर हो चुका था, माने ऐसा खूंखार व्यक्ति, सब जिससे डरने लगे, तो ये नर्मदा के तीर पर चला गया। और तत्रपि वहां पर भी कृतवान नित्यम नर मांस अशनम तदा, वहां फिर मनुष्यों के मांस का अशन करने लगा, मनुष्यों को ही मार मार के खाने लगा। ठीक है, कईयों के चेहरे ऐसे हो गए। आगे एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चित् विप्रोतिधार्मिकः कलिङ्गदेशसम्भूतो नाम्ना गर्ग इति स्मृता वहन गङ्गाजलं स्कन्धे स्तुवन् विश्वेश्वरं प्रभुं गायन्नामानि रामस्य समायातोति हर्षितः तमायांतं मुनिं दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसः प्राप्तो न पारणेत्युक्त्वा भुजा उद्यम्य तं ययौ तेन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः अशक्तस्तं द्विजं हन्तुम् इदं ऊचे स राक्षसः अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने नामस्मरण मात्रेण राक्षसापि मया प्रभक्षिता पूर्वं विप्रः कोटिसहस्रशः नामः प्रावरणं विप्र रक्षति त्वां महाभयात् नामस्मरण मात्रेण राक्षसापि भो वयं परां शान्तिं समापन्ना महिमा को अच्युतस्य हि सर्वथा त्वं महाभाग रागादिरहितो द्विज राम कथा प्रभावेण पाह्यस्मात् पातकाधमात् गुरुर्वज्य मया पूर्वं कृता च मुनिसत्तमा कृतश्चानुग्रह पश्चात् गुरेणोक्तम् इदं वच। तो ऐसे वहां पर ये नर्मदा के तीर पर पहुंच गया और अपना वो ही नरसंहार इसने जारी रखा। एतस्मिन् अनंतरे, तो इसके बाद कश्चित् अति धार्मिकः विप्रः प्राप्तः, तो वहां पर कोई अत्यंत धार्मिक, कोई ब्राह्मण वहां पर आ गया नर्मदा के तीर पर, जो कलिंग देश संभूतः, जो कलिंग देश में पैदा हुआ था, और गर्ग इति नामना स्मृतः, और उसका नाम था
गर्ग, गर्ग कुल में पैदा हुआ था, गर्ग एक ऋषि हुए हैं। तो कलिंग देश में उत्पन्न होने वाला गर्ग नाम का कोई अति धार्मिक व्यक्ति तभी वहां पर आया, गंगा की सॉरी नर्मदा के तीर पर। वहन गंगा जलम स्कंधे, और उसने अपने कंधे पर गंगा जल लिया हुआ था। वहन माने निर्वहन करता हुआ, उठाता हुआ, गंगा जलम गंगा जल को स्कंधे अपने कंधे पर। स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम, और उस विश्वेश्वर प्रभु का स्तवन करते हुए, उसका नाम लेते हुए, गुणगान करते हुए, स्तुति करते हुए। गायन नामानि रामस्य, राम के नामों को गाता हुआ। समायात अतिहर्षितः, अति हर्षित अत्यंत हर्षित मन वाला समायात वहां पर आया। तो कोई वो लेके जाते हैं ना कावड़ और भजन गाते हुए जाते हैं, तो ऐसे उस समय कोई गंगा जल कंधे पर रख करके श्री राम के नामों का गायन करते हुए, और उस विश्वेश्वरम प्रभुम जो विश्व का भी, पूरे विश्व का जो ईश्वर है, जो प्रभु है, उसके नाम की स्तुति करते हुए अत्यंत हर्षित मन से। अब देखो, एक वो ऊपर वाला है, राक्षसत्व को प्राप्त हो गया, तो उसका मन कैसा है, अत्यंत परेशान है, गुस्सा आ रहा है, दुखी है, दूसरों की भी हिंसा कर रहा है, खुद भी परेशान है, इसी को कहते हैं राक्षसत्व। और दूसरी एक स्थिति, ये दोनों हमारी होती रहती हैं समय समय के ऊपर। जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम दूसरों के ऊपर गुस्सा करते हैं, जब हम दूसरों की हिंसा करते हैं, तो हम राक्षसी भाव में होते हैं। और एक दूसरे समय में जब हम भगवान के नाम का गुणगान करते हुए अपना कार्य कर रहे होते हैं, ये भी तो अपना कार्य कर रहे हैं ना, तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, मन प्रसन्न है, भगवान के नाम की स्तुति चल रही है, तो ये कैसी स्थिति है, ये दैविक स्थिति है। इतने ज्यादा पैनिक मत बनो कि किसी को थोड़ी सी ऐसे आ गया तो मतलब ऐसे कर रखा है, और ऐसे कर लोगे तो भी बचोगे नहीं, या तो कर लोगे फिर यहां से जाएगा, हाथ पे आएगा, कहीं तो आएगा। जब तक जीवन है तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, निश्चिंत रहो, न मरिष्यति न मरिष्यति मां भी। योग करने वाले हो, ब्रह्मचारी हो, तो कितने उनको भी तो देखो, जो सफाई कर्मी है सफाई में लगे हैं, डॉक्टरों को देखो, उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुए इलाज कर रहे हैं। अपनी तरफ से 100% सावधानी रखनी है, उसमें मतलब लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अनावश्यक भय भी नहीं पालना है, क्योंकि मन का भी प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति यदि मन से यूं सोचता रहे ना कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं ऐसा ना मैं ना बीमार पड़, वो पड़ेगा फिर। तो पहले तो प्रज्ञा अपराध ही बताते थे ना लोगों का कारण, यही तो प्रज्ञा अपराध है। और जिस व्यक्ति ने ये सोचा मुझे नहीं होने का है कुछ भी, तो उसके आसपास भी आएगा तो 3 बार सोचेगा कि इसके पास जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि ये तैयारी नहीं है। तो मानसिक प्रभाव भी पड़ता है, और स्थूल रूप से भी पूरी सावधानी रखनी है, माने चारों तरफ से अपनी तरफ से सावधानी रखनी है। और उसके बाद ये जन्म है तो एक बार तो मरना ही है, तो 10 साल पहले मर गए तो कोई दिक्कत नहीं, 10 साल बाद मरेंगे तो भी कोई बात नहीं। मतलब कुछ भी सोचो आप, मैं तो अपना बता रही हूँ, ये आपका नहीं बता रही हूँ आप कुछ भी सोचो, लेकिन आप बैलेंस रहो, भय में मत जियो, बस इतनी बात है। आपको जो सोचना है सोच लेना। सन्यासी ब्रह्मचारी वैसे भी संसार की तरफ से मर ही गया होता है, भगवान की तरफ से जिंदा रहते हैं। तो आपके यहाँ 99.99 चांस नहीं है, क्योंकि जब कोई संक्रमित व्यक्ति उधर आता है ना, तो उससे ये भारी है, ये वायरस हवा में नहीं उड़ता है कि ऐसे हवा में आ जाएगा, कि ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति से संक्रमित होके फिर आ सकता है। तो इसीलिए बाहर से आने वालों को मना किया है यहाँ पे,
तो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, बस इतनी बात है। तो बाकी आपकी दिनचर्या अच्छी है, आपको कोई खतरा नहीं है। तो चलिए आगे। तो ये दोनों स्थिति, ये एक मनुष्य की बात कही जा रही है कि वो राक्षसत्व को प्राप्त कर गया, जो सुदास की स्थिति है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो भगवान के नाम का गुणगान कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, अपना कार्य भी कर रहा है, तो उसके लिए विशेषण आया अति हर्षित। ऐसा व्यक्ति कैसे रहेगा? अति हर्षित रहेगा। समाया तो अति हर्षित, अत्यंत हर्षित, नाम जपते रहो, काम करते रहो और हर्षित होते रहो। व्यक्ति परेशान कब होता है? अपने कर्तव्य का पालन करता नहीं है, सूत्र याद करता नहीं है, पढ़ाई करता नहीं है, व्यायाम करता नहीं है, प्राणायाम करता नहीं है, संध्या उपासन करता नहीं है, तो फिर तो अंदर डिप्रेशन आएगा ही। यही तो राक्षसत्व है। और राक्षसत्व को प्राप्त होने का मतलब क्या है? कोई सींग थोड़ी हो गएंगे सिर के ऊपर ऐसे जो दिखाते हैं, यही सींग है, दोषों वाले ही सींग है। और जो व्यक्ति अपना पाठ सही समय पर याद करेगा और उसको भी भगवान की पूजा समझ करके करेगा, प्रसन्न मन से करेगा, कर्तव्य समझ करके करेगा, आलस्य प्रमाद को अपने पास नहीं आने देगा, वो कैसा रहेगा? हर्षित मन वाला रहेगा। इसलिए उसकी आयु भी लंबी होती है फिर, क्योंकि मन प्रसन्न होने से वैसे ही हार्मोन्स पैदा होते हैं फिर शरीर में। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो ये ही योगाग्नि है, ऐसे शरीर को पा करके वो इन चीजों से अनायास ही बच जाएगा, रोग से, जरा से, मृत्यु से। तो क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति को देख करके देखो राक्षस के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। तम आयांतम मुनिम दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसः प्राप्तः न पारेण इत्युक्त्वा भुजौदम्य तम ययौ। तम मुनिम आयांतम दृष्ट्वा, ऐसे उस मुनि को, ऐसे उस व्यक्ति को, विप्र को आते हुए देख करके, सुदास नाम राक्षसः, जो सुदास नाम का जो राक्षस था, उसने क्या कहा? प्राप्त नह पारेण, पारेण मतलब दूर से, पारेण दूर से उसको आता हुआ देख करके कहा नह प्राप्त, अरे हमें मिल गया है भोजन। आपके यहाँ कई दिन दूध सब्जी फल सब बंद कर दिया जाए और फिर आपको गाड़ी में दिखे गेट के ऊपर कि आज तो गाड़ी भरी है फल से, सब्जी से, दूध से, तो क्या बोलेंगे ऊपर से देख के? अरे आ गया आ गया आ गया आ गया, खाना आ गया। तो ऐसे इन्होंने भी भुजौ उद्यम्य, दोनों भुजाओं को ऐसे ऊपर उठा करके, दोनों भुजाओं को उठा करके उस मुनि को देख करके बोले आ गया है मेरा भोजन, कितना बढ़िया। तो ऐसे खुश हुआ और तम ययौ उसकी तरफ बढ़ा, ये गया उसकी तरफ उसको खाने के लिए। और क्या बोला उसको? अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने नाम स्मरण मात्रेण राक्षसापि दूरगाः। लेकिन थोड़ी दूर तो गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के पैर रुक गया, आगे नहीं बढ़े इसके। तो जैसे वो लक्ष्मण रेखा लगाई थी ना, रावण अंदर जाना चाहता है लेकिन वो अग्नि सी लग जाती है उस रेखा के, तो वो फिर वापस आ जाता है, सुरक्षा कवच लगा के रखते हैं ना, तो संध्या में लगाते हैं सुरक्षा कवच चारों दिशाओं से अपने आप को एक सुरक्षा के घेरे में। उसको देखा, उनको देखा आपने, वो जो रामायण आती थी टीवी पे, तो लव कुश जहाँ वृक्ष के नीचे वो संध्या करते थे, तो वो सर्प निकल के आता है लेकिन सर्प उनके पास तक नहीं जा पाता है, वो भी खड़ा होके अपना फन उठा के ऐसे उनको देखने लगता है। तो उनके चारों तरफ एक भागवत सुरक्षा का घेरा रहता है। तो जो साधक होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते, स्वरक्षित होते हैं, अपनी रक्षा का, खुद की रक्षा का घेरा लगा के रखते हैं। सुरक्षित तो कहूं, उसी दुनिया में रहना है उनको भी, तो वो सुरक्षित नहीं होते हैं, कोई बॉडीगार्ड नहीं होते हैं, पर वो स्वरक्षित होते हैं। तो ऐसे ये सुदास उनकी तरफ दौड़ा तो सही,
हाथ उठा के बड़ा खुश हुआ, लेकिन एक दूरी पर जाकर के इसके पैर रुक गई और इसने कहा कि भाई ये तो कमाल हो गया, मैंने तो आज तक कितने लोगों को खाया। जैसे अंगुलीमाल के साथ हुआ था ना महात्मा बुद्ध को देख करके, ऐसे इनके साथ भी हो गया। तो इन्होंने कहा नमः तुभ्यम, अरे आपको प्रणाम है महात्मने, हे महात्मन आपको प्रणाम है। अहो भद्र महाभागः, हे भद्र पुरुष, हे महाभाग, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि नाम स्मरण मात्रेण, क्योंकि आप केवल क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। नाम स्मरण मात्रेण राक्षसापि दुर्गाः, भगवान के नाम का स्मरण करने से कोई मनुष्य तो क्या हानि पहुंचाएगा, राक्षस भी दूर ही रुक गया, राक्षस भी दूर भाग जाते हैं, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। हर शब्द की भी अपनी, जैसे व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे ना, तो शब्द शक्ति ग्रह, ऐसे शब्द सुना है आपने, तो शब्दों की भी अपनी एक शक्ति होती है, और फिर वो जो स्थूल शक्ति है उससे भी ज्यादा अत्यंत पावरफुल सूक्ष्म शक्ति होती है। उन शब्दों के पीछे एक सूक्ष्म शक्ति भी होती है। तो इसलिए कोई कहे ना कि वहां पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में किसी व्यक्ति ने पूछा है कि ये महर्षि दयानंद से, ये आप यज्ञ हवन करते हैं तो चलो ये तो आपने वैज्ञानिकता से सिद्ध कर दिया कि इससे बैक्टीरिया मरते हैं, इससे एनवायरनमेंट शुद्ध होता है घी आदि डालने से, तो फिर ऐसे ही डालते रहो, फिर मंत्र क्यों बोलते हो, और आपको बोल के ही कुछ देना है, तो जिनको मंत्र नहीं आता है वो कुछ भी बोल के दे, बोलना ही है। तो लौकिक और वैदिक शब्दों में भी अंतर है। लौकिक शब्द बोल के आप देंगे उसका अलग प्रभाव है, किसी वैदिक मंत्र को बोल के देंगे उसका अलग प्रभाव है। वैदिक मंत्र में भी शुद्ध बोलेंगे तो अलग प्रभाव है, अशुद्ध बोलेंगे तो अलग प्रभाव है उसका, और सस्वर बोलेंगे तो उसका अलग प्रभाव है, और बिना स्वर के बोलेंगे तो अलग है। तो हर चीज की यहाँ पर वैल्यू है, ऐसी निरर्थक नहीं है कोई भी चीज। तो इन्होंने कहा कि ये भगवान के नाम स्मरण में भी कितनी शक्ति है, नाम स्मरण मात्रेण राक्षसापि दुर्गा, मुझ जैसे राक्षस भी आपसे दूर भागते हैं, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ आपके पास आने की, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ तो ना बचपन में ही बच्चों को दादी नानी ऐसे कहानियां सुना देती थी नाम स्मरण की। आपने सुना कभी ऐसे कि भाई कहीं बाहर जाओ ना तो हनुमान चालीसा जब बोलते हैं तो भूत पास में नहीं आता है, और बाहर जाते हैं तो गायत्री मंत्र बोलते रहे तो भूत प्रेत पास में, बुरी शक्तियां पास में नहीं आती है, ओम ओम बोलते रहे तो बुरी शक्ति पास में नहीं आती है, अग्नि को पास रखे तो ऐसे देते हैं। तो कुछ क्या करते थे कि पहले ताबीज बांध देते थे बच्चों को कि इसको खोलना मत, ये हर संकट से रक्षा करेगा। तो ऐसे एक व्यक्ति ने एक बार खोल के देखा कि ऐसा भी क्या है इस ताबीज में, तो उसने देखा तो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था और उसके ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ था, उसको ऊपर से कपड़े से उसको सिलाई कर रखी थी, वो ताबीज था। तो मंत्र की शक्ति है। तो एक बार तो मेरे को भी ऐसे हो गया था बचपन में, मैंने सुनाया था आपको, तो सच्ची घटना है ये, क्योंकि हम गांव में रहते थे तो शाम को 4 बजे के बाद खेत में से वो लाना पड़ता था रोटी बनाने के लिए, ईंधन लाना पड़ता था, शमी वृक्ष होता है उधर हमारे यहाँ, तो उसकी जो कटीली कटीली वो होती है लकड़ी, वो लानी पड़ती है। तो 4 बजे तो छुट्टी हुई स्कूल की, और 5 बजे तो सूर्यास्त हो जाता है सर्दी में, अंधेरा सा ही हो जाता है। तो 4 बजे छुट्टी हुई, फिर घर आई, फिर कपड़े बदले, फिर खेत में, खेत तो बिल्कुल पास ही है, खेत में गई लेने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा, मतलब अंधेरा अंधेरा सा नहीं लेकिन सूर्यास्त होने वाला था, ऐसा हो गया। 5 बज गए तब तक मेरे को डर लगे। अच्छा वहां पर ये सुन रखा था कि यहाँ ये जो वो थी बड़का, सॉरी बेर का पेड़ था, बरबेड़ी बोलते हैं उसको,
इसमें एक भूत रहता है ऐसे सुना हुआ था। अब मेरे को उसके पास से जाना, रास्ता उसके नीचे से ही निकलता था, तो चली तो गई जैसे तैसे करके, गायत्री मंत्र बोलते बोलते चली गई मन मन में। उनको उठा के आई तब तक तो बिल्कुल ही सूर्यास्त हो गया। छोटी थी, मुझे लगता है मैं चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ती होंगी शायद, तो वो लेके आई, लेकिन डरती डरती आई। तो अब एक आदमी जब डर ही रहा है तो वो उल्टे ही काम करेगा सारे, तो डरती डरती वैसे आ रही थी, वो पीछे से कहीं अटक गई होगी उसने। तो वैसे ही पैर कांप रहे थे, तो मैं मन मन में बोल ही रही थी, लेकिन जैसे ओम भूर्भुवस्व स्व बोल के डाल दिया वहीं, और मैं भी गिर गई। और मतलब अर्धमूर्छा जैसी स्थिति में ऐसे एकदम से उसको ना आंख बंद करके वो पास में कोई खेत, गेहूं का खेत था, पानी दे रहे थे, कोई भाई थे, उसने देखा जी तो गिर गई, और इसकी ये भी गिर गई, सिर के ऊपर गठर भी गिर गया, छड़ी वाला वो बेचारा आया तो उसने आके बोला, तो मैं और ज्यादा डर गई, ये तो बिल्कुल पास ही आ गया भूत। तो फिर उसने मतलब मेरे को सिर पे ऐसे हाथ रख के जी, तो मैंने कहा बिल्कुल ही आए। एक बार हिम्मत करके और जोर से बोला, ओम भूर्भुवस्व। वे क्या हो गया जी, मैं हूँ नीरू, नीरू नाम था उसका। बड़ी देर में उसने बेचारे ने, और मेरा पूरा पसीना पसीना, मुंह एकदम लाल, और मेरे को बाद में भी वो भूत ही दिखे, मैं उसको जानती थी पर तो भी मेरे को ऐसे लगे कि ये भूत ही है। बहुत देर के बाद फिर मेरा सांस नीचे आई, उसने बोला कि हुआ क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा भूत ने मेरी छड़ी पकड़ ली थी। ले जी तो बहुत बावली है, जा। तब उसने भेजा। तो ऐसे हमें सुना देते हैं, बचपन में सिखाते हैं ना कि जब कहीं कोई संकट आए तो क्या करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा का जाप करना। तो ये ऐसे ही अपना नाम स्मरण करते हुए जा रही थी, लेकिन तब तो पता नहीं था, वैसे शक्ति तो थी, मतलब वहां भूत तो नहीं था, पर भूत आए तो भी भाग जाएगा। तो ये नाम स्मरण मात्र से राक्षस भी दूर चला गया। तो इसने कहा कि भाई ऐसी क्या शक्ति है, हे भद्र पुरुष, अहो भद्र महाभाग, नमस्तुभ्यम महात्मने, नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि दूरगहा, राक्षस भी दूर चले जाते हैं, ऐसे नाम स्मरण की महिमा है। मया पूर्वम कोटि सहस्र सह विप्राहा प्रभक्षिताः, क्योंकि मैंने तो आपसे पहले, मैं कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को नहीं खाता हूं, आपसे पहले मैंने कोटि सहस्र से, माने हजारों करोड़ों करोड़ों को मैंने, लाखों को करोड़ों को मैंने खा लिया है, वो भी ब्राह्मण जाति के ही थे, लेकिन उनकी वो नाम स्मरण नहीं कर रहे थे, और आप नाम स्मरण कर रहे हैं, तो ये नाम स्मरण की महिमा है। तो उनको मैंने करोड़ों लोगों को पहले मैं खा चुका हूँ, लेकिन ये नाम स्मरण की ही इतनी महिमा है कि मैं भी आपसे दूर जा रहा हूँ। नाम प्रावरणम विप्र रक्षति त्वाम महाभयात, हे विप्र, त्वाम तुझको, नाम प्रावरणम, ये भगवान का नाम रूपी जो कवच है, आवरण होते हैं ना, और ये क्या है, प्रावरणम, प्रकृष्ट आवरण, प्र आवरणम, आवरण मतलब कवच, और प्रावरणम माने प्रकृष्ट कवच। तो ये नाम भगवान का, ये नाम रूपी जो प्रकृष्ट उच्च कोटि का जो कवच है, तो आपको कहीं आपके पास व्यवस्था हो, कोई ऐसा असुरक्षित एरिया हो और आपके पास व्यवस्था हो बुलेट प्रूफ पहनने की, तो पहन के जाओ, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है और आप किसी ऐसे संदिग्ध एरिया में जा रहे हैं, तो फिर कौन सा कवच पहन के जाना, भगवान के नाम का, भगवत नाम का।